तो दोस्तों ओप्पो बहुत ही जल्द अपना अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो A9 2020 10 सितंबर को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर और 5000 एमएएच की बैटरी जो कि बहुत ही बेहतरीन प्राइसिंग के साथ आने वाला है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों ओप्पो A9 2020 में आपको देखने को मिलने वाला है बैक साइड में ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश जो कि आने वाला है ग्लास फिनिशिंग के साथ। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको चार कलर वेरिएंट भी देखने को मिलने वाला है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट। और उसके साथ ही दोस्तों बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलने वाला है 6.53 इंच का एक फुल HD प्लस का स्क्रीन जो कि आने वाला है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में, जो कि 16 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों ओप्पो A9 2020 में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 665 का प्रोसेसर जैसा कि Realme 5 और उसके साथ ही दोस्तों रेडमी नोट 8 में भी हमें यही प्रोसेसर देखने को मिला था। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों ओप्पो A9 2020 में आपको देखने को मिलने वाला है 5000 एमएएच की बैटरी। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की कैमरास की, तो दोस्तों बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट जो कि 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ आने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट जो कि आने वाला है कलर OS 6.1 के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको दो रैम वेरिएंट देखने को मिलने वाला है 6128 और 8128। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के स्टार्टिंग वेरिएंट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का स्टार्टिंग वेरिएंट आपको 15000 रुपीज के करीबन देखने को मिलने वाला है। और बात करें स्मार्टफोन के हायर वेरिएंट की, दोस्तों स्मार्टफोन का हायर वेरिएंट आपको 17000 रुपीज के करीबन देखने को मिलने वाला है जो कि होने वाला है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। वहीं बात करें स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को ऑफिशियली 10 सितंबर को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कंफर्म स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने इस वीडियो में आपके संग शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।